कार्यालय में प्रेस ब्रीफिंग इसलिए की जा रही है कि आप एक दो दिन से सुन रहे हैं कि तालिब हुसैन जो कि आतंकवादी लश्कर ए तोयबा का निकला, जिसको गुलाबगढ़ में डिस्ट्रिक्ट रियासी में वहाँ के जिंदा दिल लोगों ने और बड़ी एक तरीके से उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। लेकिन कुछ समय से ये चर्चा चल रही है सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे और नेशनल मीडिया में भी कि तालिब हुसैन जो था वो भारतीय जनता पार्टी का एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी सेल का आईटी सेल का इंचार्ज था। देखिए, आपको हम क्लैरिफाई कर दें कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में तालिब हुसैन ना तो प्राइमरी मेंबर है, ना बेसिक मेंबर है, बट टू टॉक ऑफ एक्टिव मेंबर। और ऐसा हुआ कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान रविंदर राणा जी, जो यूटी के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, इनको वो एज ए जर्नलिस्ट एक दो बार इंटरव्यू करने आए और उस सिलसिले में उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। लेकिन बाद में पता चला, जैसे उनकी अरेस्ट हुई है, वो लश्कर ए तोयबा से उनके ताल्लुकात निकले हैं, AK-47 उनसे रिकवर हुई हैं, कई ब्लास्ट में उनका नाम भी आया है, कि उनका बेसिक इंटेंशन ऑब्जेक्ट ये था कि वो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस की रेखी करें और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतागण हैं उनकी मूवमेंट जो है आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और यहां तक कि पाकिस्तान से भी शेयर करें। इस सिलसिले में एक कंस्पिरेसी हैच की गई और भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उनका आना जाना बढ़ता गया। देखिए, श्री रविंदर राणा जी जो हमेशा ही बढ़ चढ़ के पाकिस्तान के खिलाफ और उग्रवादियों के खिलाफ बोलते हैं, ऑलरेडी उनको मिलिटेंट्स की थ्रेट्स आई हैं, आप सोशल मीडिया पे भी आई हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस उनको आते हैं और कई लेटर्स भी आई है। ये उसी कड़ी में एक कॉन्स्पिरेसी थी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में घुस के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो आज यूटी है उनकी मूवमेंट को वाच किया जाए और आगे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से शेयर किया जाए। यहां तक बात रही आईटी सेल का पर्टिकुलर इंचार्ज बनाने की, मैं आपको फिर दोहरा दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में उनका ऐसा कोई लेना देना नहीं है, उनको किसी ने आईटी सेल का इंचार्ज नहीं बनाया। कहीं से सुनने में आ रहा है हमारे माइनॉरिटी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं शेख बशीर जी कि उन्होंने अनऑफिशियली उनको ये चार्ज दिया था, लेकिन वो भी अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है। इस पे छानबीन चल रही है कि किस कैपेसिटी में वो क्लेम करते थे आईटी सेल के पर्टिकुलर विंग के इंचार्ज थे वो। तो मैं ये दोबारा आपसे क्लियर कर दूं, जो एक मिथ, एक ग्रे एरिया प्रिवेल कर रहा है कि तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैंने आपको बता दिया वो एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से उसकी एसोसिएशन थी, उस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्स्पिरेसी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उसकी एज ए जर्नलिस्ट एंट्री हुई और एंट्री की फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती गई। इस सिलसिला में कई हमारे बड़े नेताओं के साथ उसके फोटोग्राफ भी आए, जिसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उसका उनका कुछ लेना देना है। तो मैं एक बात और वाजे कर दूं, चूंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक मिलिटेंट घुसा एक जर्नलिस्ट की हैसियत से, तो मैं आज आपके माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली एलजी साहब मनोज सिन्हा जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो यूटी के अध्यक्ष हैं और हमारे बाकी नेताओं की सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए। देखिए, मैंने आपको शुरू में बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल रिकॉर्ड में ऐसी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, किसी ने अपने लेवल पे उसको किसी मीडिया आईटी सेल का इंचार्ज बनाया हो तो उसकी तहकीकात, उसकी इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी भारतीय जनता पार्टी की सुनने में एक बशीर साहब ने उनको अपॉइंट किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो प्रदेश के यूटी के आईटी के इंचार्ज हैं, उनसे ऐसी कोई कंसल्टेशन नहीं हुई। बड़े नेताओं के साथ उनके फोटो वायरल हुए हैं, कल को किसी और का फोटो मेरे साथ वायरल हो जाए, जर्नलिस्ट जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? जर्नलिस्ट तो आया इंटरव्यू करने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, सुनिए ना बात, सुनिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उनका आना जाना बढ़ता गया तो किसी आईटी सेल के इंचार्ज के साथ उनकी एसोसिएशन बढ़ी तो उन्होंने उनको कोई चार्ज दिया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से ऐसा कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन ना कोई अपॉइंटमेंट देखने में कहीं नहीं आया है। राजस्थान में जो उदयपुर में जो हत्या हुई है,
इसकी हम गौर निंदा करते हैं, लेकिन